एक सफल क्रिकेट टीम में ना केवल खिलाड़ियों की बल्कि खिलाड़ियों के अलावा भी कई लोगों की कड़ी मेहनत होती है, जिनके काम को अक्सर नजरअंदाज भी कर दिया जाता है। इन्हीं में से एक होते हैं टीम के कोच, जिनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। ये खिलाड़ियों की तरह ही दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि टीम बेहतर प्रदर्शन कर सके और ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीत सके। इसके अलावा टीम के हर खिलाड़ी को नर्चर करने की और उस खिलाड़ी का बेस्ट उपयोग करने की जिम्मेदारी भी इनकी ही होती है। इसलिए एक सफल टीम के लिए एक अच्छा कोच भी उतना ही जरूरी है जितने कि उस टीम के प्लेयर्स। इंडियन क्रिकेट टीम के इतिहास में यूं तो कई कमाल के कोचेस इंडियन टीम को कोच कर चुके हैं, जिनमें गैरी क्रिस्टन, अनिल कुंबले, कपिल देव और मदन लाल जैसे बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। सभी की अपनी अपनी उपलब्धियां भी हैं, पर अभी कुछ समय से टीम के कोच का जिम्मा रवि शास्त्री उठाए हुए हैं। उनकी कोचिंग में भी टीम ने काफी रिकॉर्ड्स बनाए हैं और ऐसे ऐसे देशों में जाकर ऐतिहासिक सीरीज जीती हैं जहां अब से पहले तक टीम कभी भी इस तरह की जीत नहीं हासिल कर पाई थी। क्रिकेट कोच बनने से पहले रवि शास्त्री खुद भी एक क्रिकेटर हुआ करते थे और उनकी पहचान अपने जमाने के अटैकिंग ऑलराउंडर के रूप में रही थी। ये 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन स्क्वाड का भी हिस्सा रहे थे। अपने क्रिकेट करियर के बाद यूं तो इन्होंने कॉमेंटेटर बनकर भी लोगों का खूब मनोरंजन किया, पर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये टीम के कोच बने, ये जानना क्रिकेट प्रेमियों के लिए वाकई काफी दिलचस्प होगा और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम रवि शास्त्री की जिंदगी की पूरी कहानी जानेंगे। रवि शास्त्री का जन्म 27 मई 1962 को बॉम्बे में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से मैंगलोरियन था और उनको बचपन से ही क्रिकेट का काफी शौक था और वो इस खेल में शुरू से ही काफी इंटरेस्टेड भी थे। रवि शास्त्री ने अपनी स्कूल की पढ़ाई डॉन बॉस्को हाई स्कूल से की है। इस स्कूल से ही रवि शास्त्री ने क्रिकेट पर भी ध्यान देना शुरू किया। जहां वो इसके पहले शुरू में सिर्फ मनोरंजन के लिए खेला करते थे, वहीं यहां से उन्होंने इसको पूरी सीरियसनेस के साथ खेलना शुरू किया। वो मात्र अपने टीनेज ईयर्स में रहे होंगे जब उन्होंने क्रिकेट को ही अपना करियर बनाने का फैसला करा था और वो यहां से प्रैक्टिस सेशंस को काफी मेहनत से अटेंड भी करने लगे। डॉन बॉस्को से खेलते हुए वो अपनी टीम के साथ 1976 के इंटर स्कूल गायल शील्ड के फाइनल्स तक भी पहुंच गए, पर फाइनल में वो सेंट मैरीज से हार गए। ये वो स्कूल था जिसकी लाइनअप में भविष्य के दो रणजी प्लेयर्स शिशिर हतांगाड़ी और जिग्नेश संगानी थे। अगले साल के लिए रवि शास्त्री को टीम का कैप्टन बनाया गया। बॉलिंग और बैटिंग दोनों में महारत रखने वाले रवि शास्त्री ने अपनी कप्तानी में डॉन बॉस्को को 1977 में गाइल शील्ड जिताई और यह उनके स्कूल के इतिहास में पहला मौका था जब वो ये ट्रॉफी जीते थे। स्कूल के टाइम पर उनके कोच बीडी देसाई थे, जो खुद टाटाज और दादर यूनियन के प्लेयर रह चुके थे। बीडी देसाई ने रवि शास्त्री को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई, जो आगे चलकर शायद उन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखाई होंगी। अपने जूनियर कॉलेज के लास्ट ईयर में उनको रणजी ट्रॉफी में बॉम्बे टीम से खेलने का मौका मिला। उस वक्त उनकी उम्र 17 वर्ष और 292 दिन थी, जिसने उन्हें उस वक्त के टीम का यंगेस्ट प्लेयर बना दिया था। इतना ही नहीं, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको 1980 में इंडिया की अंडर 19 टीम में भी शामिल कर लिया गया। इनके शुरुआती रणजी सीजन्स की बात की जाए तो वो ज्यादा खास नहीं रहे थे, पर कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी थी जिन्होंने सबका दिल जीत लिया था। जैसे इन्होंने 1979 रणजी फाइनल में दिल्ली के खिलाफ 6 विकेट चटकाए थे। ये मैच मुंबई हार जरूर गई थी, पर इनका प्रदर्शन सबको याद रहा। अगले सीजन जब वो कानपुर में उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेल रहे थे, तब उनको न्यूजीलैंड टूर पर चल रही टीम इंडिया से खेलने का बुलावा आया। दरअसल उनको दिलीप जोशी, जो उस वक्त इंजर्ड हो गए थे, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर इंडियन टीम में जगह मिली थी। शास्त्री पहले टेस्ट से एक रात पहले न्यूजीलैंड पहुंचे और अपने टेस्ट करियर का पहला ओवर उन्होंने उस वक्त के न्यूजीलैंड कैप्टन जे ऑफ होवार्थ को डाला, जो ओवर मेडन गया था। पहली इनिंग्स तो काफी शांत रही, पर सेकेंड इनिंग्स में रवि शास्त्री ने 4 बॉल पर 3 विकेट्स निकाली और ये सारे कैचेस दिलीप वेंग सरकार ने लिए थे। यहां से उनके करियर का सही आगाज शुरू हुआ। थर्ड टेस्ट में वो 7 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच भी बने। वो इस सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। टेस्ट डेब्यू के 18 महीनों में वो खुद को एक कमाल के ऑलराउंडर के रूप में एस्टैब्लिश कर चुके थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अपने करियर के शुरू में 10 नंबर पर बैटिंग करने आते थे, पर फिर धीरे धीरे अच्छी बैटिंग करते हुए उन्हें ओपनिंग के लिए तक भेजा जाने लगा। इसके बाद वो 1983 में वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी रहे। कपिल देव के नेतृत्व में इस टीम ने 1983 वर्ल्ड कप जीता और इतिहास रच दिया। इसके बाद पूरी टीम को नेशनल हीरोज के तौर पर देखा जाने लगा, क्योंकि इस टीम ने उस वक्त पूरी दुनिया के समक्ष भारत को गौरव महसूस कराया था और कुछ ऐसा करा था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ना केवल इंटरनेशनल बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने बराबर कमाल किया है। शास्त्री ने जनवरी 1985 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक मारा था। इसको पूरा करने में उनको केवल 113 मिनट्स लगे थे,
ये रिकॉर्ड 33 सालों तक कायम रहा और इसको 2017 में आकर अफगानिस्तान के शफिकुल्ला ने तोड़ा। उन्होंने काबुल रीजन की ओर से खेलते हुए 103 मिनट्स में ही ये कारनामा कर दिया था। रवि शास्त्री ने अपने क्रिकेटिंग करियर में 80 टेस्ट और 150 ODIs खेले हैं। ODI में उन्होंने 3108 रन बनाए हैं और 129 विकेट्स लिए। वहीं टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने 3830 रन बनाए और 151 विकेट्स लिए। एक ग्लोरियस करियर खेलने के बाद उन्होंने 1992 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, जिसके कुछ साल बाद ही वो कमेंटेटर के रूप में फैंस के सामने आए। अगले कुछ सालों तक वो कमेंटेटर रहकर ही क्रिकेट से जुड़े रहे और यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इंडियन मैचेस के लिए देश भर में सबसे पसंदीदा कमेंटेटर्स में से एक इन्हीं को माना जाता था। और 2011 वर्ल्ड कप के विनिंग मोमेंट्स में इनकी कॉमेंट्री ने बेशक उन क्षणों में चार चांद लगा दिए थे। इंडिया हैज लेफ्टेड द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स, ये लाइन बेशक हर इंडियन क्रिकेट फैन के दिल में घर किए हुए है। इसके बाद से वो कमेंट्री से दूर होने लगे और टीम एडमिनिस्ट्रेशन में आने लगे। 2017 में उनको इंडियन टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी मिली, जिसको वो अब तक निभा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर ट्रॉफी अपने नाम की, जो कि दिखाता है कि टीम इस वक्त कितनी ताकतवर है। हालांकि अभी तक वो टीम को एक भी ICC ट्रॉफी दिलाने में नाकामयाब रहे हैं, पर उम्मीद है कि 2021 T20 वर्ल्ड कप में वो अपनी टीम के साथ मिलकर ये कारनामा भी कर दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी रवि शास्त्री की प्रोफेशनल लाइफ। वहीं अगर रवि शास्त्री की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने ऋतु सिंह से 1990 में शादी की थी और उन दोनों की एक बेटी भी है, पर शादी के कई सालों बाद तो उन्होंने अलग अलग जाने का फैसला किया और डाइवोर्स की अर्जी दे दी है। तो दोस्तों, यही थी कहानी भारत के कोच रवि शास्त्री की। अगर आपको रवि शास्त्री पर बनी हुई ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।